अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, उम्मीद है तमाम आबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। आज एक दोस्त ने सवाल ये किया है कि सबसे पहले रोज़े की नीयत हमें बताएं कि रोज़े की नीयत कैसे करनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आप तमाम इसको तवज्जो के साथ समाध फरमाइए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले एक बात याद रख लें कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर कोई शख्स ज़बान से नीयत नहीं भी करता तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। और दूसरा मसाला ये है कि रोज़े के लिए नीयत करना ज़रूरी है, चाहे दिल से नीयत की जाए या ज़ुबान से नीयत की जाए। अगर आपका इरादा ही नहीं कल के रोज़े रखने का तो इस सूरत में आपका रोज़ा जायज़ नहीं होगा। रोज़ा रखने के लिए नियत करना ज़रूरी है, वाजिब है। एक और बात भी याद रख लीजिए, कोई शख्स अगर रमज़ान के रोज़े की नियत करना चाहता है तो वो इस तरीके से करेगा। मेरे अल्फाजों पे तवज्जो फरमाइए, वाबी सौमी गदिन्ना वैतु मिन शहरी रमदान। इस तरीके से अगर कोई शख्स ज़बान से ये अल्फाज अदा करना चाहता है तो बिला झिझक ये अल्फाज कह सकता है। बाकी नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आपने कल का रोज़ा रखना है तो दिल के अंदर ही नीयत कर लेना, ये काफ़ी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई इस मसले को तवज्जो के साथ समाप्त फरमा चुके होंगे। सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को आगे शेयर भी फरमा सकते हैं और आपने मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।